भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर उतरने वाला है। भारत का लगभग हर नागरिक इंतजार कर रहा है कि कब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत अपने इस मून मिशन से जुड़ी कामयाबी के बेहद करीब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए अब तक का सफर इतना आसान नहीं था। वो समय भी था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसरो पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाया और उसे इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक साझा करने से भी रोक दिया था। अमेरिका ने ये प्रतिबंध इसलिए लगाया ताकि भारत सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट नहीं बना सके। ये बात साल 2006 की है जब जी माधवन नायर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अध्यक्ष थे। उस वक्त अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ माइकल ग्रिफिन थे। वो 30 सालों के बाद भारत के दौरे पर आने वाले पहले नासा चीफ थे। वो 9 से 11 मई 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र, श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्चिंग सेंटर और थुम्बा स्पेस म्यूजियम का दौरा किया था। गौरतलब है कि ये वही 2 केंद्र थे जिस पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था। इसी दौरे पर नासा प्रमुख ग्रिफिन ने भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 में 2 अमेरिकी उपकरणों को शामिल करने पर अपनी सहमति जताई थी। इसके बाबत उन्होंने इसरो चीफ माधवन नायर के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद जब उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि उन्हें भारत आने में इतना समय क्यों लगा और क्या ऐसी यात्राओं पर स्वयं प्रतिबंध लगाया गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। हालांकि उसी मीडिया ब्रीफिंग में ग्रिफिन ने 2092 से 2094 के बीच इसरो पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए माफी भी मांगी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, मुझे अतीत के बारे में खेद है, लेकिन मैं भारतीय अंतरिक्ष की प्रभावशाली क्षमताओं और भारतीय तकनीक की निखरती क्षमताओं के बारे में निश्चित रूप से एक अच्छा शब्द ही सामने रखूंगा। नासा चीफ ने यह भी कहा कि भारत की प्रभावशाली अंतरिक्ष सुविधाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिलकर और भारत के आने वाले मून मिशन के बारे में जानकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 1 वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है जिसमें यूरोप के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पायलट भी शामिल है। इस दौरान इसरो के काम से गदगद नासा चीफ ने भविष्य में भारत के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी की कहानी लिख दी थी। उन्होंने कहा था, ये मेरी आशा है और विश्वास है कि जैसे जैसे हम पूरे सौर मंडल में मानव सभ्यता की पहुंच बढ़ाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत कई तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से पुरस्कृत परियोजनाओं में भागीदार बनेंगे। इस समझौते के बाद साल 2008 में भारत ने PSLV की सहायता से चांद पर चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद साल 2019 में चंद्रयान 2 भी भेजा गया जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। आज भारत अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा होने जा रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज करीब शाम 6 बजे चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है।